वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और सवाल आपके लिए लेके आए जो मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है और वो बायलैंगुअल है। तो सवाल हमारा ये है और ये पहले एग्जाम में एसएससी के आ चुका है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए तीन भुजाएं दी हुई है तो कितना कितना हो जाएगा, ये 3x, 4x और 5x, इनका पेरीमीटर दिया है या परिधि दिया है। तो पेरीमीटर परिधि कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के, जो कि हो गया 24। तो ये जोड़ के आएगा आपका 12x 24, तो x बराबर हो गया आपके पास 2। तो पहली भुजा कितनी हो गई, 3×2 6 और ये 4×2 8 और ये 5×2 10। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात अगर 3:4:5 में है तो ये एक समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। तो ऐसे कोण का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ½ × P × B। तो अगर पी बी समझ में नहीं है तो जो दो छोटे भुजाएँ होंगे उन दोनों को गुना कर देंगे, तो ½ × 6×8। तो इसे हम लोग काट लेंगे, 3 बार में आ गया 24। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 24। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे अगर आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाए ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम पोस्ट कर आपके पास पहुँच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड।